वेलकम टू एलजीआई औरन क्लासेस दिस इज दीप्ति क्लास सिक्स साइंस फिजिक्स का चैप्टर है आज हमारा फन विद मैग्नेट्स तो आज मैं आपको मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी तो मैग्नेट और नॉन मैग्नेट क्या होता है सबसे पहले तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि जो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाए वो मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा जैसे आयरन निकेल कोबाल्ट और जस्ट कुछ ऐसे हमारे मटेरियल्स हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते डू नॉट गेट अट्रैक्टेड मैट मैगनेट जो मैगनेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो नन मैगनेट मटेरियल्स कहलाते हैं जैसे पेपर बोर्ड प्लास्टिक ओके सो मैंने आपको नीचे एक एक डाइग्राम दिया है तो देखिए आपको एक बार सेप का वार सेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप का आपको एक मैग्नेट दिखाई गई तीन दिखाई गई हैं थ्री इसमें देखिए कुछ हमारे आयरन के फिलिंग जो है वो एक्ट्रैक्ट कर रही तो मतलब कहने का ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है एंड सेकंड दिस हमारा लेस आयरन फिलिंग इसमें कुछ कुछ आयरन के पीसेस एक्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी हमारे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं एंड थर्ड इज़ नो आयरन फिलिंग मतलब इसमें कोई भी आयरन की कोई भी चीज़ एक्ट्रैक्ट नहीं कर रही तो ये हमारी नन मैग्नेट मटेरियल्स हैं ओके okay? तो कहने का मतलब है कि बार मैग्नेट रड हमने बार मैग्नेट को इन सॉइल एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया सॉइल कंटेंस आयरन पार्टिकल्स फिलिंग स्टिक्स टू द मैगनेट एंड रेस्ट ऑफ द सॉइल फॉल डाउन हायर द अमाउंट ऑफ द सॉइल स्टिकिंग टू द मैगनेट हायर द आयरन कंटेंट ऑन द सॉइल ओके सो आगे आगे बढ़ते हैं लिखा है हमारा सेकेंड हमारा लास्ट सेकेंड पॉइंट आ रहा है फाइंडिंग डायरेक्शन विद मैगनेट हम मैगनेट के द्वारा दिशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक मैग्नेट्स ऑलवेज कम टू रेस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आपको पता ही है कि नॉर्थ और साउथ टू डायरेक्शन होता है हमारा ऑलवेज कम्स ठीक है दिस प्रॉपरली हैज़ बीन यूज फ्रॉम ओल्डन डेज पुराने समय में डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से मैग्नेट का प्रयोग किया जाता था नेक्स्ट लिखा है कंपास इज ए डिवाइस यूज फाइन डायरेक्शन हम कंपास का प्रयोग भी डायरेक्शन को नापने के लिए करते हैं नेक्स्ट हमारा लिखा है कंपास कंसिस्ट टू सॉरी द कंपास कंसिस्ट ऑफ ए मैग्ने मैगनी साइड नीडल्स नीडल्स मतलब सुई एंड ए डील मार्ग एंड डायरेक्शंस Inside a box and glass cover with freely rotated rotating needles comes to rest in north and south direction has the DP uh, depicted on the deal. The north pole of the needle is marked red and the distinct gazing. इट फ्रॉम साउथ पोल देखिए आपको बताया गया है, है कि हम पहले कंपास पहले लोग क्या करते थे नेडल सुई का प्रयोग करते थे ठीक पुराने समय में और एक बार बता दूं कि पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वो अपने रथ पर चैरियट किस पर चैरियट बोलते हैं जो रथ होता है रथ पर ज़्यादातर साउथ पोल मतलब सीकिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जानने के लिए वो लोग एक रथ पर एक डायरेक्शन सीकिंग स्टैचू लगाते थे जो हवा के डायरेक्शन से हवा चलते ही एम्परर राजा को पता चल जाता था कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो देखिए आपको हमने एक क्या किया एक मैग्नेट ले ली एक स्टैंड ले लिया उस मैग्नेट को हमने टंग हैंग कर दिया एक साइड एस है और एक साइड एन है मतलब साउथ और नॉर्थ है तो आपको दिशा तो पता ही है डायरेक्शन की है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लेकिन होता है क्या है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेकिन दिशा नापने के लिए हमारी नॉर्थ और साउथ को पहचानना है जब साउथ साउथ और नेक्स्ट नॉर्थ पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक ही हमारा ईस्ट और वेस्ट भी पता चल जाएगा तो देखते हैं लिखा क्या है ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमने बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया मैग्नेट को ऑलवेज कम्स टू रेस्ट जैसे ही कम्स रेस्ट होगा वैसे ही हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पता लगा देगा तो उस प्रकार से पहले एग्जाम अब फिर हमारे कंपास ये कंपास का चित्र बना हुआ है एक कंपास नॉर्थ पोल ऑफ द नेडल इज मार्क्ड एज रेड मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल का साउथ है वो ब्लू कलर से है और जो हमारा नेडल का है वो हमारा ब्लू कलर से तो हमारा क्या जानना है नॉर्थ पोल जानना है जैसे ही नॉर्थ पोल पर ये नेडल आ जाएगी उस प्रकार से पता चल जाएगा कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है और ऑटोमेटिकली हमारा वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट भी पता चल जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हमारा जो मैग्नेट है वो एक्ट्रैक्ट करता है एक्ट्रैक हमारा तभी करता है जब हमारे आयरन के फिलिंग उसमें एक्ट्रैक होंगे और जस्ट लाइक जैसे हमने आपको सेल्स बताए थे लाइक रेफिल दूर होंगे और अनलाइक अनलाइक एक्ट्रैक्ट करेगा जस्ट लाइक सेल्स की तरह माइनस प्लस एक्ट्रैक्ट होगा माइ प्लस प्लस डिस्ट्रैक्ट होगा, होगा और प्लस माइनस हमारा एक्ट्रैक्ट होगा ओके तो कहने का मतलब है कि हमारा इस प्रकार से पृथ्वी पर भी हमारा रोटेट सिस्टम नॉर्थ और पोल का सिस्टम बना हुआ होता है तो आगे चलते हैं सो तो देखते हैं हमारा अब तो पॉइंट आ रहा है मेकिंग ऑन मैग्नेट। अब हम मैग्नेट बनाना चाहेंगे अब हम कैसे बनाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है टेक एन आयरन बार एंड ए मैग्नेट बार हम एक आयरन बार लेंगे और एक मैग्नेट बार लेंगे सेकेंड प्लेस वन टू मैग्नेट पोल एज एट द एज ऑफ द आयरन बार एक स्थान की तरह हम रख देंगे मैग्नेट पोल की साइड एज ऑफ द आयरन बार प्लेस रख दें स्लाइड इन द मैग्नेट टू वर्ड्स टू द अदर एज ऑन द आयरन बार विदाउट द लेफ्टिंग द मैगनेट फॉर फोर लिफ्ट द मैगनेट नाउ एंड प्लेस एट द इन इनी इंटर पोजिशन अगेन द सेम्पोल टचिंग आयरन बार फिफ्थ इज द रिपीट दिस प्रोसेस थर्टी फोर्टी टाइम मोर टिल द आयरन बार बिकम्स मैगनी टी साइड कहने का मतलब है कि ये हमने आयरन की बार ले ली एक हमने मैग्नेट की बार ले ली हम बार बार इस साइड से लिखा है प्रोसेस द मेकिंग द आयरन बार इन द मैग्नेट लिखा क्या है कि थर्टी से फोर्टी टाइम मोर द रबिंग हम इस पर किसी चीज़ से बार 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 रब करेंगे टचिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कड़ आ जाते हैं जिससे हमारा मैग्नेट बन जाता है ठीक है तो आगे चलते हैं हम लिखा है कि आगे मतलब कहने का है? मतलब है कि जो रिफलपल्शन होता है मतलब द फोर्स बाई विच ऑब्जेक्ट्स टैन टू पुश ईच अदर इज द रिपल्शन हम किसी चीज को बार बार पुश करते हैं ईच अदर एक साइड से तो रिपल्शन कहलाता है ठीक है आगे चलते हैं हम आपको बताते हैं जैसे मान लीजिए आपने एक स्टैंड लिया उस पर आपने एक मैग्नेट को हैंग कर दिया और आपके हाथ में एक हम एक तंग एक तो हैंग है और दूसरा आपके पास दूसरा मैग्नेट है जब हम एस से एस मिलाएंगे तो क्या हमारी जो मैग्नेट है वो एक्ट्रैक होगी नहीं होगी डिस्ट्रैक होगी और नॉर्थ से साउथ को मिलाएंगे तो एक्ट्रैक होगी तो हमारी तरह वो मैगनेट खिंचेगी आगे की तरफ आएगी तो हमारे कहने का मतलब है कि नॉर्थ साउथ एक्ट्रैक साउथ टू साउथ डिस्ट्रैक साउथ नॉर्थ एक्ट्रैक और नॉर्थ टू नॉर्थ डिस्ट्रैक ओके सो so, मैं आपको मैं यही बताना चाहती हूँ अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज जरूर करें ओके सो so, बाय बाय